वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि सबसे आसान तरीके से विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करें। तो हमारे पीसी में ऑलरेडी विंडोज़ 10 इंस्टॉल है, तो हम इसे अपग्रेड करेंगे विंडोज़ 11 में। और इस तरह से आप कोई भी विंडोज़ वर्सन को बहुत ही आसानी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत होगा। एक है ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है Win2HDD। इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, जो कि एक फ्री टूल है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है Win2HDD। और इसका सबसे पहले जो लिंक है, आपको इसे यहाँ पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन मिल जाएगा। इसे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करना बहुत इजी है, उसे मैंने स्किप कर दिया। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल जो है अभी बिजली नहीं है, तो मेरे UPS से ये PC चल रहा है। और दूसरा जो चीज़ है, हमारा विंडोज़ 11 का ISO फाइल है। अगर आपको नहीं पता कि विंडोज़ का किसी भी ISO फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हम सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे। तो सी ड्राइव में आपका जो भी डेटा है, पहले आप उसे बैकअप ले लीजिए। आपके पास एक और ड्राइव होना चाहिए जिसमें आपका ISO फाइल रहेगा, ठीक है। सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे इसे नहीं रखना है, किसी और दूसरे ड्राइव पे रखना है, ठीक है। तब हम शुरू करते हैं विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो हमने इसे इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और यहाँ आपको री इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो हमने ये देख रहा है फ्री टूल है, ओके। तो री इंस्टॉल में हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको इमेज फाइल जो है विंडोज़ 11 का, इसे ब्राउज करके सेलेक्ट करना है। ओपन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, जो मेरा वाला ISO फाइल है, यहाँ पे अलग अलग वर्सन है विंडोज़ 11 का। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके ओके। तो अब इसे येस करना है, ओके। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज आ रहा है कि आपका सारा सी ड्राइव का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप सी ड्राइव में कोई भी डेटा ना रखें। अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा है, तो उसे पहले ही बैकअप ले लीजिए, ओके। तो हम इसे येस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी रिस्टार्ट होगा, हम येस करेंगे, PC रिस्टार्ट होगा, ओके। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। हमारा PC अभी रिस्टार्ट हो रहा है, हमें अभी वेट करना है। हमारा ज़्यादातर जो काम है वो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करेगा। तो इसमें कई बार आप ये हो सकता है कि ये बंद चालू हो सकता है, तो फिक्र का कोई बात नहीं, आपको सिर्फ वेट करना है, ओके। तो अभी इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो गया है, ओके। तो ये सॉफ्टवेयर जो है अभी काम कर रहा है। यहाँ पे 0% है, ये परसेंटेज धीरे धीरे होगा और ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने हाथ पे पॉपकॉर्न लेके खाना है और आराम से इसे देखना है, ओके। तो दोस्तों, अभी लगभग 70% हो गया है। और इस टूल का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, फ़ायदा जो है, वो ये है कि आपके PC में जो TMP है वो सपोर्ट करता है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो हार्ड डिस्क पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है या GPT है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपका PC जो है वो सिक्योर बूट सपोर्ट करता है या नहीं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता इसकी। और इस इंस्टॉल के लिए आपको कोई USB ड्राइव या CD ड्राइव कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये सॉफ्टवेयर का एक
बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है। अगर आप चाहते हैं कि जो पेन ड्राइव से विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करें, अगर आप इसके बारे में भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, कमेंट कीजिए। तो लगभग जो है 95% हो गया है। ओके, 100% हो गया है, अभी रीस्टार्ट हो रहा है, हमें सिर्फ वेट करना है। ओके, तो हमारा विंडोज़ 11 जो है अभी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपको लोगो देख के ही पता चल रहा होगा। तो ये मेरा SSD में इंस्टॉल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अगर आपका नॉर्मल जो हार्ड डिस्क है उसमें टाइम लग सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, जब तक हमसे कुछ कमेंट पूछा ना जाए तो हम अभी वेट करते हैं। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इससे बहुत ही कॉन्फिडेंट मिलता है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो हमारा विंडोज़ जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ओके, तो हमारा विंडोज़ 11 जो है अभी इसका वेलकम स्क्रीन है, अभी लगभग रेडी है। तो हमें कंट्री सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इंडिया इंडिया इंडिया। ओके, हमारा इंडिया कहाँ है भाई, ये रहा इंडिया, हम इंडिया सिलेक्ट कर लिया हमने। ओके, कीबोर्ड लेआउट हमें इसे USA रखते हैं। ओके, दूसरा कीबोर्ड लाइट देखते हैं, तो हम इसे स्किप करते हैं। ओके, आई डोंट हैव इंटरनेट, हम बाद में इंटरनेट से कनेक्ट कर। कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप। ओके, विंडोज़ का टर्म्स एंड कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी जो PC का नेम है हम इसे डालना है, तो हम इसे डाल देते हैं। हमने अपने YouTube चैनल का नाम यहाँ पर डाल दिया, पासवर्ड हमें नहीं चाहिए अभी। ओके, तो हम इसे ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है डेस्कटॉप है, लैपटॉप नहीं है, तो ये इस तरह का कोई भी ऑप्शन हमारा ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे बंद कर लेंगे। एक्सेप्ट। ओके दोस्तों, हमारा PC जो है अभी विंडोज़ 11 कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो जैसे मैं आपको विंडोज़ का वर्ज़न अभी दिखा देता हूँ। ओके, तो है हमारा विंडोज़ 11 का वर्ज़न। ओके, विंडोज़ 11 प्रो, ये है इसका डेट, इंस्टॉलेशन डेट, और ये है उसका वर्जन। ठीक है, और मैं आपको इसका पार्टीशन स्टाइल भी दिखा देता हूँ। मेरे पास ये GPT पार्टीशन में नहीं है, ये MDR पार्टीशन स्टाइल में है, आप वो भी देख लीजिए। ओके, तो ये देखिए हमारा जो है MDR पार्टीशन स्टाइल में है। तो इस टूल का ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है, बहुत ही आसानी से आपका बिना झंझट के विंडोज़ अगर इंस्टॉल करना है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कुछ भी और जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए था, तो आप हमें कॉमेंट कीजिए, या PC रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।